हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उमानाथ पांडे स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, सीबीएसई के टर्म 1 एग्ज़ाम की डेट शीट कभी भी आ सकती है और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी तैयारी ही नहीं शुरू की है। खास करके हमारे जो प्राइवेट इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के बच्चे हैं, उनको अभी भी इस बात का पता नहीं कैसा मलाल है कि अभी डेट शीट नहीं आई, हमारा फॉर्म नहीं आया, पता नहीं एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। और यार, ये लोग फिर से बैठे हुए हैं। बच्चों, चाहे आप कंपार्टमेंट के हों, इम्प्रूवमेंट, प्राइवेट या रेगुलर बच्चे हों, क्लास 10th या क्लास 12th का देना है। अगर आप रेगुलर बच्चे हैं तो आपकी पढ़ाई, आपकी तैयारी तो स्कूल वालों ने करा ही रखी होगी या आप खुद से ही कर रहे होंगे। सबसे ज़्यादा लापरवाही हमारे प्राइवेट एग्ज़ाम वाले बच्चे कर रहे हैं। जिनको प्राइवेट एग्ज़ाम देना है, इम्प्रूवमेंट या कंपार्टमेंट देना है, वो अभी इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि इनका फॉर्म नहीं आया है। मानता हूँ बच्चों, फॉर्म नहीं आया है, फिर भी तुम हाथ पे हाथ धरे बैठे हो और इस बार पेपर टफ आ गया तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर होना है, सही बात है। एमसीक्यू बेस्ड होंगे, आपको चार विकल्प देंगे, चार में से कोई एक सही होगा, सही बात है। लेकिन तुम इस बात की गंभीरता को क्यों नहीं समझ पा रहे हो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड है, लेकिन यहाँ पर स्किल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, आपकी थिंकिंग कैपेसिटी को चेक करेंगे, थिंकिंग कैपेबिलिटी को चेक करेंगे, कितना सोच पाते हो, और ये क्वेश्चंस आपको फंसा देंगे यार। ऑब्जर्व जो एसर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उसके तो आपको कहीं सैंपल पेपर भी नहीं मिल रहे होंगे, कहीं बुक में भी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, कहाँ से तुम पढ़ोगे, कैसे तैयारी करोगे। और बच्चों के मन में तो ये भी डर बना हुआ है कि क्वेश्चन पेपर ईजी आएगा या हार्ड आएगा। बहुत सारे टीचर्स ने पहले ही शॉकिंग अपडेट आपको दे दिया होगा कि इस बार का पेपर बहुत हलवा आएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन बच्चों, तुम कैसा पेपर आएगा इसको तुम्हें ढंग से समझना है। तो सीरियसली तुम जाओ और एक बार अपना सैंपल क्वेश्चन पेपर देख लो, सीबीएसई की वेबसाइट पे दिया हुआ है, उसे देख लो, फिर तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि तुम्हारा पेपर कैसा रहने वाला है। अगर तुम सैंपल पेपर को अपने 1.5 घंटे की बजाय 2 घंटे में भी सॉल्व कर ले रहे हो तो मान करके चलो तुम्हारे लिए क्वेश्चन पेपर ईजी है। अब तुम रेगुलर प्राइवेट इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट के बच्चे हो, आप यहाँ पे कमेंट करके हमको बता देना क्या आपने सीरियसली टर्म 1 एग्ज़ाम की तैयारी शुरू की है या नहीं शुरू की है, ये हमें ज़रूर बताना। और अगर तैयारी शुरू की है तो किस तरीके से तैयारी शुरू की है, आप क्या पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हो या कोई रेफरेंस बुक पढ़ रहे हो या कहीं से एमसीक्यूज आपने तैयार किए हैं। हमने एक वीडियो में बताया था कि बच्चों टारगेट बना करके चलो कि हर एक चैप्टर से 200 क्वेश्चन कम से कम आप इकट्ठा कर लो, 200 नहीं तो 100 क्वेश्चन आप इकट्ठा कर लो। हर एक चैप्टर से अगर 100 MCQs आपको कहीं से मिल गए, अलग अलग वेबसाइट से मिल गए, किसी बुक से मिल गए, तो ये 100 क्वेश्चन आपको उस चैप्टर में स्ट्रांग बना देंगे। लर्नर्स, ऑलमोस्ट हम सभी बच्चों का एक ड्रीम होता है कि इंडिया की टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस जैसे IITs, NITs में अपनी इंजीनियरिंग करें या तो फिर एम्स जैसी मेडिकल कॉलेज से अपनी मेडिकल की पढ़ाई करें, लेकिन इसके लिए हमको IIT JEE या नीट में टॉप करना पड़ता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये एग्जाम ऑल इंडिया लेवल पर कंडक्ट होता है तो इसमें कंपटीशन काफी टफ रहता है, इसीलिए आपको इसकी प्रिपरेशन को बेहतर करने के लिए इसकी पढ़ाई जितनी जल्दी हो सके स्टार्ट कर देनी चाहिए। अनअकैडमी आपकी इसी प्रिपरेशन को बेहतर करने के लिए लाया है खास कॉम्बो ऑफर, जिसकी डिटेल्स कुछ इस तरीके से हैं। अगर आप क्लास 9th में पढ़ते हैं तो 2 ईयर का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन क्लास 9th प्लस 10th प्लस IIT नीट परचेज करते हैं तो आपको उसके बाद नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए अनअकैडमी फ्री में सेम सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट करके देगा। तो आपके टोटल 4 साल की पढ़ाई जैसे कि क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th और 2 ईयर्स का एक्स्ट्रा IIT नीट की पढ़ाई सिर्फ 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन के प्राइस पर आपको मिल जाएगी। अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हैं तो 2 ईयर का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन क्लास 10th, क्लास 11th प्लस IIT नीट परचेज करने पर आपको नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए अनअकैडमी फ्री में सेम सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट करके देगा। तो आपके टोटल 4 साल की पढ़ाई क्लास 10th, 11th, 12th प्लस ड्रॉप ईयर और 2 ईयर्स का एक्स्ट्रा IIT नीट का पढ़ाई सिर्फ 2 ईयर्स के सब्सक्रिप्शन के प्राइस पर मिल रहा है। बच्चों, प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स कुछ इस तरीके से हैं: इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, अनलिमिटेड एक्सेस। तो ये ऑफर काफी लिमिटेड टाइम के लिए है, मेरा तो मानना है कि इसको लेना ही चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यूज करें मेरा कोड GEA और पाएं 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट हर एक पेड सब्सक्रिप्शन। कैसे तैयारी कर रहे हो तो आप हमें बताओगे कमेंट में, कहां कहां से वीडियो देख रहे हो ये भी आप बताओगे कमेंट में। लेकिन अगर आप प्राइवेट इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट के बच्चे हैं और तैयारी नहीं शुरू की है तो ऑनेस्टली आप बताओगे कि बच्चों क्या आपने तैयारी शुरू की है। कल हमने अपने बच्चों से पूछा था कि अगर आपने तैयारी शुरू की है, आपने टाइम टेबल बनाया है, आपने डिलीटेड पोर्शन को उसमें मार्क कर दिया है कि हमें नहीं पढ़ना है और पढ़ाई शुरू कर दी है, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना। और हार्डली मुझे 4-5% बच्चों की रिप्लाई मिली कि सर हमने ये किया है और इस तरीके से हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो यार, जब तुम मिनिमम करोगे तो मैक्सिमम तुम्हें मिलेगा कहाँ से। और इस बार पेपर इजी आएगा, इस चक्कर में मत रहना। सीबीएसई
सैंपल क्वेश्चन पेपर अगर आप उसको देखोगे तो तुम्हें एक आइडिया लगेगा, क्वेश्चन फंसा के देगी, और अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो तुम नहीं कर पाओगे। यार तुम इस बात को हल्के में क्यों ले रहे हो? मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूँ कि लोगों के चक्कर में मत आना, क्योंकि अभी लोग आपसे कह देंगे बहुत ईजी पेपर आएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, जब तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि करें क्या। हाँ ये बात सही है कि इस बार जो डायग्राम वाले क्वेश्चंस थे, मतलब डायग्राम बनाने को नहीं आएंगे लेकिन डायग्राम ढेर सारे आएंगे, उस डायग्राम के पार्ट्स के बारे में पूछेंगे वहाँ क्या है, तो डायग्राम बनाना नहीं लेकिन बना बनाया आ रहा है उसमें तो आपको पहचानना है, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करने हैं, लेकिन वो सॉल्व कैसे होगा? छोटे क्वेश्चन ही सही मान लिया, एक मिनट में तुम कैसे सॉल्व करोगे यार? तुम्हें डेरिवेशन नहीं करना है, लेकिन डेरिवेशन के स्टेप अगर उसने पूछ लिए, स्टेप दे दिया और पूछ लिया कि इस स्टेप में ये कौन से ऑप्शन सही होंगे, तुम कैसे करोगे? स्टेप में कोई कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, कुछ आ रहा है, उसकी वैल्यू पूछ ली, तो इतना आसान नहीं होने जा रहा है, खास करके तब जब आप पढ़ाई ही नहीं कर रहे हो। तो कितने बच्चों ने पढ़ाई शुरू की है ये हमें बता दो, और जितने तरीके के क्वेश्चंस आए हैं क्या आपने उसे कभी ट्राई किया? एसर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस, और जो अभी आप देख लीजिए अपने सैंपल क्वेश्चन पेपर को, बायोलॉजी या साइंस वाले अगर आप हैं तो ढेर सारे क्वेश्चंस आपको डायग्राम बेस्ड वो दे रहा है, स्किल बेस्ड क्वेश्चंस दे रहा है, थिंकिंग कैपेसिटी को, रीजनिंग कैपेसिटी को चेक कर रहा है। ये वाले क्वेश्चंस आपकी समझ में ही नहीं आएंगे अगर आप प्रैक्टिस नहीं करके जाओगे, और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने की तुम्हारी अभी तक प्रैक्टिस नहीं हुई है, हैबिट नहीं है, हैबिचुअल नहीं हुए हो, और जब अचानक से क्वेश्चन पेपर आएगा तो अगर इजी क्वेश्चन पेपर भी आएगा ना तो बच्चों वो तुम्हें टफ लगेगा। बहुत सारे बच्चे इधर उधर ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पेपर आएगा। भैया NCERT को अगर तुम फॉलो कर रहे हो तो एक एक टर्म जो उसमें इंपॉर्टेंट दिए हैं उसे अंडरलाइन कर लो, उसे पढ़ लो, तो तुम बड़े आराम से पास हो जाओगे। मेरी बात मानो, सलाह मानो, तुम सीरियसली पढ़ाई शुरू कर दो। अगर तुम प्राइवेट इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट के हो, रेगुलर कैंडिडेट के रूप में आपने एडमिशन नहीं लिया है, तो आप अपनी पढ़ाई घर पे 3 से 4 घंटे शुरुआत करो और इसे खींच करके 6 घंटे तक ले जाओ। कितनी सीरियसली तुम मेरी बात को मान रहे हो कमेंट करके तुम जरूर बता देना, अगर तुम्हें पास होना है बच्चों, आगे जाना है। और अगर आप रेगुलर कैंडिडेट हैं तो अपने स्कूल की पढ़ाई के अलावा कितने घंटे घर पे पढ़ पा रहे हो बच्चों, ये भी हमें कमेंट करके बताना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आपके स्कूलों में एसर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करवाई गई है या नहीं करवाई गई है, या बाद में करवाई जाएगी, ये भी हमें समझाइएगा। साथ में हमें ये भी बताइएगा कि जो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आपको कितने समझ में आते हैं, क्या आप उन्हें सॉल्व कर ले जा रहे हो? अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, पेपर इजी आएगा, क्वेश्चन पेपर इजी आएगा, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि जो आंसर होता है बच्चों आपके आँख के सामने दिया होता है, तो एक क्ल्यू मिल जाता है, एक हिंट मिल जाता है, लेकिन उसमें भी पहचानना है, तुक्के से बहुत ज़्यादा बच्चे पास नहीं होंगे। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, सीरियसली तैयारी कीजिए, कहीं कोई दिक्कत है तो हमसे संपर्क कीजिए, हमारे साथ जुड़ सकते हैं आप। और अनएकेडमी पे बहुत अच्छी तैयारी करवाई जा रही है, अगर वहाँ हमारे कोड GEA का यूज़ करते हुए आप कोई भी कोर्स परचेज करते हैं तो हमारी तरफ से भी आपको 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, कैशबैक हम देंगे। बस हमें वो वाला स्क्रीनशॉट आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9628150142 पर SMS कर देना है, आपको SMS कर दीजिए, मतलब सॉरी आप WhatsApp पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए और हम आपको 1,000 रुपये का कैशबैक दे देंगे बच्चों। तो हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपके एग्जाम के लिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, कोई समस्या आती है हमसे पूछिए। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।